गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर राजेश यादव ने कहा कि जन्मजात गूंगा और बहरापन पूर्वांचल के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है, लेकिन अब जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों जो बोलने और सुनने में असमर्थ हैं उनका इलाज अब संभव हो गया है। डॉक्टर राजेश ने बताया कि उनका संस्थान पूर्वांचल का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ एक कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी एवं सीनियर ऑडियोलॉजिस्ट द्वारा मैपिंग व स्पीच थेरेपी एक ही छत के नीचे की जा रही है, लेकिन कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की कीमत लगभग 8 लाख रुपए के करीब होने के कारण गरीब तबके के बहरे और गूंगे बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस समस्या का हल भी निकाल लिया गया है। अब एक स्कीम के तहत पूर्वांचल के गरीब तबके के गूंगे और बहरे बच्चों की कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी निःशुल्क की जाएगी, उन्होंने कहा। के समय भी जाते हैं आदमीबिलिटी हर एक फैक्टर होता वाले एक्चुअली मैं गूंगे बहरे बच्चों के लिए जो बच्चे पैदाइशी जन्म से ही गूंगे हैं तो वो बहरे हैं वो गूंगे अपने आप हो जाएंगे, उन बच्चों के लिए जो ऑपरेशन या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी होती थी बहुत महंगी होती थी, लेकिन राजदीप ENT हॉस्पिटल को एक एडिप स्कीम है अली आवा जंग बॉम्बे के थ्रू, उस स्कीम में वो जो करीबन 7.5 लाख से 8 लाख का जो खर्चा होता था बच्चों के कॉकलियर इम्प्लांट में, उनकी सर्जरी में, दवाइयों में और 2 साल की स्पीच थेरेपी में, वो टोटल गवर्नमेंट के द्वारा वहन किया जाएगा। तो एक तरह से ये उन बच्चों के लिए, बहुत गरीब बच्चों के लिए जो 15,000 से, जिनके माता पिताओं की आय जो है 15,000 रुपये महीने से कम है, उनके लिए 7.5 से 8 लाख रुपये का खर्चा वो शायद कभी ना उठा पाते, लेकिन सरकार और अली आवा जंग इंस्टीट्यूट की तरफ से ये खर्चा उनको पूरी तरह से फ्री, जिसे 100% फ्री कहते हैं, वो मिल रहा है। इसमें इस कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी से एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बच्चे आज कभी वो सर्जरी नहीं करा पाते थे, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते थे, आज वो सर्जरी करा के एक अच्छी उम्र में, 5 साल की उम्र में अगर सर्जरी हो जाती है तो उन बच्चों को हम समाज की नॉर्मल धारा में जोड़ा जा सकता है, नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं। ये भी नहीं कोई कह सकता कि ये बच्चों ने इम्प्लांट सर्जरी कराई है कि नहीं कराई है, गूंगे बहरे वाले स्कूल के बच्चे की तो बात छोड़ दीजिए, उस स्कूल की उनको कभी ज़रूरत ज़िंदगी में कभी नहीं पड़ेगी। हम इसमें उसमें एक प्रॉपर जो है वो कर रहे हैं, कैंप भी करेंगे और जिसमें हम बच्चों के लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी देंगे, फ़ोन नंबर उसमें देंगे, जिसके थ्रू वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जो बच्चे उस कैंप में या डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के फ़ोन से बात करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं कराते हैं, उन बच्चों के लिए हर चीज़ जो है बिल्कुल मिनिमम, जिससे कम से कम उस पर जो है खर्चे पे कराई जाएगी, जिससे कि माता पिता, हम जानते हुए कि माता पिताओं का खर्चा जो है 15,000 से ज़्यादा नहीं है महीने का, उनको ऊपर कोई ऐसा लोड ना पड़े जिससे कि वो थोड़ा पैसे की परेशानी में। मूक बधिर विद्यालय के लिए हमने एक बार पहले स्कीम की थी, शुरू में हमने एक बार बात की थी कि हम चाहते थे अपने यहाँ, हमने एल्कॉन इंडिया था उनसे बात की थी, 20 हमने जो है स्पीच ट्रेनर मंगाए थे, 20 स्पीच ट्रेनर हमने मंगाए थे, और हमने उनसे ये भी कहा था कि हम बचाएंगे कि कुछ बच्चों को हफ्ते में 2 दिन के लिए जो है ट्रेनिंग के लिए आप भेजिए, स्पीच ट्रेनर के थ्रू हम उनको ट्रेनिंग, लेकिन उस समय वो बात हो नहीं पाई वहाँ पे विद्यालय में। हम अब भी कोशिश में हैं कि अगर मूक बधिर विद्यालय वाले कराना चाहे जी या कोई भी उसके अथॉरिटी हमसे बात करती है इस चीज़ में, तो हम आज भी उन मूक बधिर विद्यालय में उस बच्चों के हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं, किसी भी तरह की सहायता, इवन ऑडियो विजुअल भी अगर उनको वहाँ विद्यालय में चाहिए या जिस तरह की चीज़ की सुविधा चाहिए हम उसको प्रोवाइड करें। ये इलाज आपको कॉकलियर इम्प्लांट बता दें बेसिकली क्या होता है, कोई भी इम्प्लांट सर्जरी जो ये की जा रही है ये पैदा होने से शुरू के 5 साल तक के बच्चों के लिए है। अगर आप 5 साल तक के ऊपर के बच्चे को लाते हैं कि साहब हम इस बच्चे का इम्प्लांट कराना है, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले उस बच्चे को जांच में, अगर बच्चा 90% से कम गूंगा बहरा है, बच्चे को हम मशीन लगवाएंगे। अगर बच्चा उस मशीन से 1 साल की 1.5 साल की ट्रेनिंग में बोलने और समझने की ताकत लाता है और बोल लेता है, तब वो ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन वो ऑपरेशन एडिप स्कीम के थ्रू नहीं हो पाएगा। एडिप स्कीम केवल पैदा होने से लेकर शुरू के 5 साल की उम्र तक के लिए।